an inspiring tale, that of triumph against adversities, a final year student of IIT Kharagpur, who is the son of a welder in Bihar, has now bagged a job with US-based Microsoft with an annual starting salary of, wait for it, ₹1.02 crore. 21-year-old Vatsalya Singh Chauhan, who bagged that dream job, hails from Khagaria village in the eastern state, where his father runs a small welding workshop. Vatsalya Singh now joins us from that particular area in Kolkata. Vatsalya, pehli baar to aapke liye NDTV ki taraf se congratulations, aur dusri baat aapse puchna chahenge. Mujhe khud ye prashn bilkul pasand nahi hai, par puchna padega. Aapko kaisa lag raha hai abhi? Obviously अच्छा ही लगेगा. थोड़ा बताइए कि आपके लिए कितना मुश्किल लगेगा. एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट हाँ, इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था मेरे को पहले, बट बस प्रिपरेशन करता गया और हो गया. थोड़ी जी आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो बातें चल रही थी वो कैसे हुई, कितने इंटरव्यू हुए, क्या क्या उन्होंने आपसे पूछा? सबसे पहले कोडिंग राउंड हुआ था, और उसके बाद एक रिटर्न राउंड हुआ था, उसके बाद फिर इंटरव्यूज हुए थे 3 राउंड, जिसमें 2 राउंड एचआर के थे. अच्छा जी, आप थोड़ा अपने पिताजी के बारे में हमें बताएं, क्योंकि वो एक वेल्डर हैं, और आपके लिए जो भी आपने करा है वो काफी मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि पैसे की सुविधा नहीं हुई होगी. जो जो यूजुअली लोगों को चीजें मिलती हैं वो आपके लिए अवेलेबल नहीं थी, तो आपने कैसे इस चीज को हैंडल करा? इन जनरल तो हमेशा से मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज वैसे नहीं आए थे, बट हाँ, जब भी प्रॉब्लम था तो समाज, जैसे मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, कुछ लोन्स वगैरह की जरूरत आई थी तो वो भी लिया था. बाकी पापा ने कॉपरेट किया था कैसे भी करके बहुत ज़्यादा. वत्सल्य, जब आपके पिताजी को पता चला कि आपको ये जॉब मिली है माइक्रोसॉफ्ट के साथ अधिक 1 करोड़ से ज्यादा के लिए, तो उन्होंने क्या कहा आपको? पहले तो उनको भरोसा नहीं हुआ था, तो फिर जब मैं बताया, जब वो कंफर्म हुए, तो फिर मतलब थोड़ी देर तक वो बोल नहीं पाए थे कुछ, और फिर बात हुई थी तो बहुत ज्यादा ही खुश थे वो. अच्छा, एक चीज मैंने सुनी है कि आप एक टाइम पर गिव अप करने वाले थे, और आपके टीचर्स ने आपको कुछ इस बारे में कहा कि आप गिव अप ना करें, आप कोशिश करते रहें, जारी रखें अपनी ड्रीम को. एक्चुअली मैं कोटा गया था 2009 में, तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं फर्स्ट टाइम पे बहुत अच्छा नहीं कर पाया था 2011 में, बट उसके बाद फिर पापा एफोर्ड नहीं कर सकते थे वापस कोटा जाने के, तो लेकिन वहाँ पे टीचर्स मेरे को जानते थे, एक विशाल जोशी सर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन्होंने एलएन में बात करी, और एलएन के जितने भी डायरेक्टर्स थे उन्होंने सब ने प्रोवाइड करवाया मेरे को, और फिर वहीं पे मेरी पूरी पढ़ाई भी, सारा रहने का और पढ़ाई का सारा खर्चा उन्होंने ही दिया मेरे को, तो फिर मैं पढ़ पाया. तो ऐसा रहा. आपने कितने टाइम के लिए ये आपकी ड्रीम थी, और कितना आपने अभ्यास करा? कुछ 15 साल से ज़्यादा, ये सही होगा कहना? नहीं, मतलब हमेशा से सब कुछ फिक्स नहीं था. 10th तक तो मेरे को ठीक से पता भी नहीं था IITs का, तो मैं तो बिहार बोर्ड से ही उधर ही गांव में पढ़ता था, बट बाद में जब पता चला तो फिर मैं वहां से आया, कोटा गया था, तो फिर जाके वहां से ड्रीम आया कि IITs में जाना है ऐसा. अच्छा, हमें पता चला कि आपकी ऑल इंडिया रैंक IIT एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लियर करने के लिए करीब 382 थी, अब 382 काफी पीछे है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको क्या कहा जब उन्होंने आपको ये जॉब ऑफर दिया, क्या कहा आपको? उन्होंने बस इंटरव्यूज लिए थे, और काफी इम्प्रेस थे इंटरव्यूज से, तो और अच्छा, ये बताइए आप हमें कि आपकी फैमिली, आपके
पिताजी के बारे में तो आपने ऑलरेडी हमें बता दिया है, पर आपकी फैमिली ने आपको क्या कहा, आपके परिवार ने आपको क्या कहा, कितना आपके साथ कुछ आपने पार्टी शार्टी करी है इसके बाद या नहीं करी है? कुछ खास तो नहीं। फिलहाल अभी तक तो कुछ खास नहीं, बट करेंगे। ठीक है, वत्सल्या सिंह चौहान, आपकी जो स्टोरी है ये सबके लिए बहुत बड़ी स्टोरी है, वेरी इंस्पायरिंग टेल फॉर ऑल ऑफ अस आउट हियर इन इंडिया एंड ऑफ कोर्स फॉर एनीवन हु इज ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग अ जॉब इन द बेस्ट कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यू आर वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, कंग्रेचुलेशंस, इट्स एन इंस्पायरिंग टेल योर्स टू से द वेरी लीस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड स्पीकिंग टू एनडीटीवी, वत्सल्या सिंह चौहान।